नमस्कार, वेलकम टू द इमोशनल वेलनेस सीरीज। टुडे वी बी टॉकिंग अबाउट पेरेंटिंग। हर एक माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा सक्सेसफुल हो, उनका बच्चा लाइफ में जाके कुछ अच्छा करे, एंड इन दैट साइकी और गवर्न्ड बाय दैट थॉट ऑल द एक्शंस ऑफ पेरेंट्स आर डिसाइडेड। कुछ चीजें ऐसी है जिनमें विच आफ्टर सम टाइम द पेरेंट्स माइट रिग्रेट। ऑफ्टन वी सी पेशेंट्स जो आके बोलते हैं कि आई हैव बीन टू हार्श एट माई किड, आई होप आई कुड नॉट हैव डन दैट, आई हैव डन दिस टू माई किड एंड आई हैव होप आई कुड नॉट हैव डन दैट एट पॉइंट ऑफ टाइम। वो नहीं किया होता तो शायद चलता, यू नो, काइंड ऑफ इट वॉज लाइक जस्ट बींग अ टू गुड पेरेंट और जस्ट टू रेज अ वेरी डिसिप्लिन चाइल्ड। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आप कर रहे हो, अगर इट्स नॉट गुड फॉर योर चाइल्ड एंड यू शुड स्टॉप डूइंग, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सबसे पहला है स्कोल्डिंग, क्योंकि डांटना बहुत ही आम बात है, बहुत मामूली है और जरूरी भी है, बट थोड़ा रुक के देख लीजिए, आर यू ओवर स्कोल्डिंग योर चाइल्ड? हर एक बात पे डांट रहे? हैव यू दी गॉट दी हैबिट ऑफ शोइंग आईज ऑन एवरीथिंग, क्यों किया, ऐसा क्यों किया? टू मच स्कोल्डिंग वुड नॉट अलाउ द चाइल्ड टू प्रैक्टिकली डू एनीथिंग। अगर आपका बच्चा मान रहा है, देखिए इसमें दो चीज होगी, अगर बच्चा स्कोल्डिंग सुन के मानेगा और ही विल स्टॉप डूइंग थिंग्स एंड यू विल फील योर चाइल्ड इज डिसिप्लिन, विच इज नॉट डिसिप्लिन, इट्स जस्ट एन काइंड ऑफ सप्रेस्ड चाइल्ड, जो उसको करना है वो नहीं कर पा रहा है। चिल्ड्रन आर वेरी इमेजिनेटिव, सो अगेन वॉट यू आर डूइंग बाई स्कोल्डिंग अगेन एंड अगेन कि उनके इमेजिनेशन को बंद करें, यू आर मेकिंग देम एडल्ट बिफोर हैविंग एनी काइंड ऑफ इमेजिनेटिव एक्सपीरियंसेस ऑन देयर ओन। सेकेंड चीज ये करेगा स्कोल्डिंग, दैट वुड मेक योर चाइल्ड अ रेबल एट एन वेरी अर्ली एज, बिकॉज चाइल्ड नीड्स टू डू समथिंग, दे हैव गॉट ऑल काइंड ऑफ सेंटर, दे हैव गॉट फियर सेंटर, दे हैव गॉट रेबल सेंटर, दे हैव गॉट दिस जॉय सेंटर। अब उनका फियर सेंटर ट्रिगर हो गया और या रेबल सेंटर ट्रिगर हो गया, एंगर सेंटर ट्रिगर हो गया, एंड दैट चाइल्ड स्टार्ट्स रिएक्टिंग इन अ रेबल वे एंड यू विल फील के देखो मैं इतना बोल रहा हूं सुनता नहीं है, आप और डांटोगे बच्चा और रेबल करेगा, एंड दैट्स एन एंडलेस साइकिल। So rather than scolding, can you have conversations with the children? क्या आप उनको बता सकते हैं? We understand there might be some things for which they need to be scolded, but the less often you scold, the more value it holds. ये बात हमेशा ध्यान रखिए, आप जितना कम डांटेंगे उसकी ज्यादा असर पड़ेगी, ना कि आप बार बार डांटेंगे और आंख दिखाएंगे, उससे आपका बच्चा डिसिप्लिन रहेगा, उससे आपका इंटीमेसी बॉन्ड कटेगा और दूर रहेगा। सेकेंड पॉइंट स्कोल्डिंग के साथ जाता है पनिशमेंट्स। The parents have got tendency to punish their children. आपको ये करना नहीं मिलेगा, आपको वो करना नहीं मिलेगा, I'll take this from you, no TV today, and bathroom में बंद कर देना है, and stuff and stuff and stuff. Every individual parent has a different style of punishing their children. Punishments are necessary sometimes in a way to create the worth or value of that thing or that talk for the children. जैसे अगर आप टेलीविजन या स्क्रीन टाइम रिड्यूस कर रहे हो एज अ पनिशमेंट, इट्स जस्ट क्रिएटिंग अ वैल्यू कि यू कांट जस्ट कीप वॉचिंग टेलीविजन, इट हैज इट्स ओन टाइम। आप फ्रेंड्स के साथ प्ले टाइम कट कर रहे हो, वहां पनिश कर रहे हो, इट क्रिएट्स अ वैल्यू फॉर देम। तो वो वैल्यू क्रिएशन का प्रोसेस होना चाहिए पनिशमेंट, नॉट इनहिबिटिंग द चाइल्ड इन वॉट ही और शी वॉन्ट्स टू डू। ऑलवेज रिमेंबर, एनकरेजिंग साइकी वर्क्स मोर देन पनिशिंग साइकी। अच्छा करने पर आप बच्चे को एनकरेज करेंगे, वो पनिशमेंट से ज्यादा काम करेगा। तो डोंट टेल द चाइल्ड व्हाट नॉट टू डू, रादर टेल द चाइल्ड व्हाट टू डू। गिव एन गुड एक्सप्रेशन, अ गुड फीडबैक ऑन द गुड थिंग विच चाइल्ड डज, ऑटोमेटिकली दे विल स्टॉप डूइंग द थिंग्स विच दे शुड नॉट बी डूइंग और थिंग्स विच यू डोंट वॉन्ट देम टू डू। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट इज बींग प्रेजेंट फॉर देम। बींग प्रेजेंट फॉर देम मीन्स मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, अभी दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, दैट्स अ कल्चर अराउंड एंड दैट्स अगेन अ नीड ऑफ टाइम आई सपोज रादर देन कल्चर। लेकिन यहां क्या होता है, पेरेंट्स टेक टर्न इन देयर इवेंट्स और फॉर देयर पीटीएम, नॉट बैड इन दैट, दैट्स अ गुड टाइम मैनेजमेंट, बट देयर आर ओकेजन्स व्हेन द चाइल्ड नीड बोथ द पेरेंट। होता यह है कि कई बार माँ बाप यह सोचते हैं, मोस्टली द फादर, के व्हाट वुड आई गो एंड डू देयर, मैं वहां जाके क्या करूंगा। आपको वहां जाके कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपका जाना ही बालक के लिए सब कुछ है। फॉर द चाइल्ड इट्स एवरीथिंग, जस्ट यू बीइंग देयर प्रेजेंट, दो इट डज नॉट मेक सेंस टू यू, डोंट वरी, यू आर गोइंग देयर मेक सेंस, इट्स एन इमोशनल री इन्फोर्समेंट फॉर योर चाइल्ड। अभी कुछ नहीं होगा,
आगे जाके बच्चे को फील होगा कि वेर वेर यू वेन दिस इवेंट्स ऑफ माई लाइफ वेर. सो इफ यू कैन रिशेड्यूल और यू शुड रिशेड्यूल ऑल योर मीटिंग्स और वॉट एवर फॉर द मोमेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन. सो मीट मोमेंट्स ओवर मीटिंग्स, ऑलवेज रिमेंबर दैट. अगर बच्चे थोड़े ज्यादा बड़े हैं, इफ दे कैन अंडरस्टैंड फाइनेंसेस, इफ दे कैन अंडरस्टैंड मनी, टीच देम फाइनेंशियल वेलनेस, फाइनेंशियल बजटिंग, फाइनेंशियल वैल्यू. उनको बजट दीजिए कितना स्पेंड कर सकते हैं, उनको बजट दीजिए कैसे सेव कर सकते हैं, उनको बजट दीजिए ताकि उनको पता लगे द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजिंग फाइनेंसेस, विच शुड ऑल्सो बी एन वेरी ग्रेट लर्निंग फ्रॉम अ पेरेंट टू द किड. And last and most important is hug your children often. आपको 9-minute theory, I hope all the parents know about the 9-minute theory. If not, we'll be putting up a video again for that. But hug your parents, children more. जितना आप parents के तौर पे बच्चों को hug करेंगे, देखिए एक उम्र तक ही वो आपको hug करने देंगे. Once they have crossed that age, they would not like you hugging them around. And the freebie here is, it's a stress buster for the parent also. Also, science has proved that hugging releases hormones and it's a stress buster. So it creates an emotional bond between you and your child. It's a stress buster for you and thus it helps you revive your bond with you. So if you're doing any of the above, please don't do. And now you know what should you be doing for the child. So happy parenting. Do subscribe our channel for more such videos and updates. Like us across the social media handles for these updates. Thank you so much.